आज जो है सास ससुर दोनों से बहुत ही जबरदस्त डांट पड़ी है जिया को, बहुत ही तेज डांट पड़ी है, तो इतना तेज डांटने की जरूरत है? इसलिए तुम लोग को बच्चा पालने का नहीं मन है तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हमको जैसे होगा उससे हम पालिए लेंगे ना, उस तरह से बच्चा के साथ करती है अगर लापरवाही। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है चैती छठ, तो हम लोग जो है सोच रहे हैं इस मौके पर जो है कहीं पर जाया जाए, और हम लोग सोच रहे हैं किसी माता रानी के मंदिर जाए और वहीं जा करके जो है पूजा करें। और बहुत दिनों से जो है हम लोग घर से थोड़ा सा निकले नहीं है, सोचे कि आज जो है क्रियांश का भी थोड़ा सा आउटिंग करवा देते हैं, बेचारा घर में ही रह रह के थोड़ा सा बोर हो गया होगा। चैती छठ है, आज डूबते हुए सूरज को आना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, कल उगते हुए सूरज को जैसे उसमें किया जाता है इसी तरह इसमें भी किया, इसमें भी किया जाएगा। तो फिलहाल जी हम लोग मंदिर जाने की तैयारी करते हैं, और जिया जो है अपना तैयार भी हो चुकी है, हम भी कुछ देर में जा करके अब तैयार होते हैं। आज है जी मंडे, और मंडे के दिन जो है मैं अपना हेयर केयर करता हूँ, स्पेशली मंडे के दिन तो मैं अपना जरूर हेयर केयर करता हूँ, हफ्ते में 2 से 3 दिन ही होते हैं अपने बाल में जो है शैम्पू सब करता हूँ। मार्केट में तो जी ढेरों शैम्पू सब आए हुए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है जी, सभी बने हुए हार्मफुल केमिकल से, मैक्सिमम सभी में मिल जाएगा आपको सिलिकॉन, पाराबिन, सिंथेटिक कलर, इस तरह का कुछ सब। तो जरूरी हो गया था कि मुझको एक ऐसा शैम्पू मंगवाना जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हो, जिसका कोई भी खराब असर जो है मेरे बाल पर नहीं हो। तो इसके लिए मैंने मंगवाया हुआ है जी वो स्किन साइंस का एलोवेरा शैम्पू, और साथ में मंगवाया हुआ कंडीशनर। तो चलते हैं जल्दी से इसको यूज करते हैं, साथ में आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाला हूँ जी, वह है वो स्किन सेंस का एलोवेरा हेयर शैम्पू। इसके अंदर है जी एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, और जैसा कि हम सभी जानते हैं एलोवेरा एक नेचुरल तरीका है अपने हेयर केयर करने का, लेकिन वह जो प्रोसेस होता है जी काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, कि पेड़ से पत्ते तोड़ो, फिर उसके बाद जो उसका जूस बनाओ, फिर उसको अप्लाई करो। तो यह कॉम्बो शैम्पू है जी, यह एक अनदर नेचुरल तरीका है एलोवेरा के गुडनेस को आपके हेयर तक पहुंचाने का। यह एक हाइड्रेटिंग और सूदिंग शैम्पू है जी, इन्फ्यूज विद द गुडनेस सब कोल मिंट एंड बायोटिन। यह आपके डर्ट को क्लियर करता है, बिल्ड अप एंड ड्राई फ्लेक्स फ्रॉम द स्कैल्प एंड द हेयर। यह साथ ही आपके हेयर क्यूटिकल को हाइड्रेट रखता है, और साथ ही हेयर के जो रूट है जी उसको भी मजबूत करता है, जो कि हेयर फॉल को रोकने में काफी मददगार साबित होता है। साथ ही इरिटेटेड और इची स्कैल्प में भी एक सूदिंग इफेक्ट लाता है, लिविंग हेयर स्ट्रॉन्गर, सॉफ्टर एंड मोर मैनेजेबल। अगला जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाला हूँ जी, वह है वो स्किन सेंस का एलोवेरा हेयर कंडीशनर। यह एक हाइड्रेटिंग और स्मूथनिंग कंडीशनर है विद एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, इन्फ्यूज्ड विद द गुडनेस ऑफ कोल मिंट एंड बायोटिन। यह आपके हेयर को एक सॉफ्ट और स्मूथ फील देता है, लिविंग इट लुकिंग स्लीक एंड स्मेलिंग फ्रेश। तो हमने कर लिया जी अपना हेयर केयर, और देख सकते हैं शैम्पू और कंडीशनर करने के बाद जो है मेरे बालों में अलग सा शाइनिंग आ गई है, और इसका जो फ्रेग्रेंस है जी पूछिए मत, जबरदस्त है। तो जी इन सभी प्रोडक्ट का लिंक हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप भी चाहते हैं अपना हेयर केयर करना बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो आप जो है इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली जा करके परचेज करिए, और हाँ जी बी वाओ नेचुरली। तो फाइनली जी सभी लोग तैयार हैं, और क्रियांश अभी सोया हुआ है, अच्छा है सोते सोते मंदिर पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना गाड़ी में तैयार नहीं है इसलिए बिल्कुल। तो रास्ते में ही पापा को जो है कोर्ट भी छोड़ देंगे, क्योंकि उधर से ही रास्ता है जाने का, तो सीधा चलते हैं, गाड़ी को पहले निकालते हैं, गाड़ी अंदर लगी हुई है, कृपा होगी। हाँ हाँ, तो यात्रा अच्छा ही रहेगा बिल्कुल, और उनसे दया मांगिए कि संसार में सभी लोग अच्छे रहे। अभी फिलहाल क्रियांश सोया है, नहीं तो इतना खुश होता, देखता बाबा भी साथ जा रहे हैं, बाबा भी साथ जा रहे हैं, तो उसकी खुशी का कुछ। तो यहाँ क्रियांश बैठा हुआ है, और शैतानी पे शैतानी किया जा रहा है कि आज इसको पापा की सीट पे बैठना है। तो फिलहाल बहुत ज्यादा बदमाशी करने के बाद थोड़ा सा हमने इसको फोन दे दिया है कि थोड़ा सा फोन देखो बेटा, क्योंकि ये चाह रहा है कि हम ड्राइव करें और पापा को परेशान कर रहा है। तो फाइनली हम पहुंच गए जी पूरन देवी मंदिर के पास, और अब जो है क्रियांश आ गया ड्राइविंग सीट पर, कर दिया ये। तो ये बहुत देर से जो है कोशिश कर रहा था इधर आने का, तो अब जो है फाइनली जब अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, तब इसको जो है बिल्कुल, तो अब जो है इसको थोड़ी देर गाड़ी थोड़ी देर ड्राइविंग सीट पर बैठने देते हैं, खेलने देते हैं, फिर अंदर चलते हैं। सामने ही ये मंदिर, भैया नारियल लड्डू दे दीजिए आधा के, आधा के प्रसाद ले रहे हैं। तो चलिए जी हमने प्रसाद तो ले लिया, और कैमरा ऑन होते ही जो है क्रियांश एकदम हो गया खुश है, वही क्रियांश ले लेते हैं या फूल भी लेना है, चलो ले लो गुलाब डालिए ले, कितना हुआ। तो चलिए जी फूल तो ले लिया हमने, और अब सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर। कहाँ पर अपना चप्पल उतार लो, पैर भी धोना है ना। चलिए जी चलते हैं माता के दर्शन करते हैं, और क्रियांश भी
साथ साथ कर लेगा, खुलेगी तो ले लो, यहाँ पकड़े रहे। क्रियांश मंदिर में खेल रहा है, हाँ? जय जय कर लिया? पूजा हो गई जी और क्रियांश आ गया है बाहर। होय होय, मजा आ रहा है। पाठ तो हमने यहाँ कर लिया जी और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ करके, और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और बात क्या है कि यह जो है ना पूरा पेड़ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर जो है कोने कोने में बैठने का प्रबंध है और वहाँ पर जो है आपको पेड़ का जो है शेड भी मिल जाता है, तो बिल्कुल तो आपको जो है धूप नहीं लगता है। और क्रियांश के साथ तो और भी मज़ा आ रहा है, क्रियांश तो एकदम मज़ा कर रहा है मंदिर में, घूम रहा है पूरा। इसको भी छोड़ दिया जाए तो पूरा अच्छे से राउंड मारेगा ये, है ना? अच्छा लगा क्रियांश। क्रियांश तो यहाँ पे मुझे लगता है 3-4 बार आ चुका है। बिल्कुल, एक दो बार पेट में जब था तब भी आया था, उसके बाद जैसे फर्स्ट मंदिर क्रियांश का यहीं पे था। बिल्कुल, तो ठीक है जी, अब यहाँ से सीधा चलते हम लोग कहीं पर। पापा पे दुलार, देख लो पापा पे दुलार। पापा के पास आएगा ये, पापा के पास आएगा, पापा के पास आएगा। क्रियांश अभी तक सोच रहा है कि आखिर मंदिर आए हैं प्रसाद नहीं मिला, पापा के जैसा है। बोलो, प्रसाद खाएगा, प्रसाद अच्छा लगा, और खाएगा, ये लो और खा। ओए होए, टीका तो पूरा फैला लिया है, तो टीका से एकदम लग रहा है बहुत ज्यादा एकदम रुद्र रूप में। ओए ओए होए, इसको दो ना, दो, कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ है ना, हाँ बिल्कुल। हम लोग तो मंदिर से पूजा करके निकल गए और अब यहाँ रुके हुए हैं गन्ना के जूस के पास, गन्ना के जूस के दुकान के पास। और क्रियांश भी एक्साइटेड है और क्रियांश भी पहली बार पिएगा अपने गन्ने का जूस। या के लिए पीना मुश्किल हो गया है क्योंकि क्रियांश कह रहा है और दो और दो। तो मंदिर से हम लोग घर पहुंच गए जी, और जो है आज जिया को लगी है बहुत ही तेज डांट। जिया की हमको भी डांट लग गई है, तो इतना तेज डांटने की क्या जरूरत है? इसलिए तुम लोग को बच्चा पालने का नहीं मन है नहीं। तो हमारे ऊपर छोड़ दो, उनको जैसे होगा उससे हम पालिए लेंगे ना, पूछते हैं लोग से। लेकिन उस तरह से बच्चा के साथ तुम लोग करती है अगर लापरवाही, हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, तो बच्चा का हम लोग दुश्मन थोड़े हैं? तो हम लोग जैसे ही आए तो क्रियांश को लग गई पॉटी। तो क्रियांश जब पॉटी कर रहा था तो क्या करता है कि खुद से थोड़ा सा कर देता है और बाकी जो है पूरा जिया जो है बैठा के करवाती है। तो जब उसको बैठा के करवाया जा रहा था, तो जब भी उसको बैठा के करवाते बहुत तेज रोता है वो, और वो हाँ बिल्कुल। तो दादा दादी को देखा सामने हुए तो और जोर से रोने लग गया। तो इसके आज तक मुझे डैडी से एक बार डांट पड़ा है, लेकिन उसके बाद इतना जोर का कभी नहीं पड़ा है। आज बहुत गुस्सा आ गया, हमको अपनों बहुत गुस्सा लगा। तो बात है, मां भी गुस्साएंगे, वो पता नहीं है, मां से तो ऐसे ही पड़ते रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन डैडी से कभी नहीं पड़ा है। तो आज जो है, आज जो है सास ससुर दोनों से बहुत ही जबरदस्त डांट पड़ी है जिया को। बहुत ही तेज डांट पड़ी है। तो अब से जो है दादा दादी के सामने कभी भी उसको पोटी नहीं करवाया जाएगा। जैसे सुविधा उसको होती है रहने में खाने में, उसको उसको दबा किसी बात का मत। ठीक है, जैसे रहेगा वो रहे, अपने जैसे रहेगा। वाह, हम दिन भर खड़े रहते हैं, उसको चल सकते हैं, तो हमको आराम करने का शौक नहीं है। वाह, आयु नहीं दे सकते लेकिन दुनिया का हर सुविधा दे सकते।